दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि जितने भी लीडिंग क्वांटम फिजिसिस्ट थे वो सब उपनिषद और भगवत गीता पढ़ने लगे। एटॉमिक मॉडल देने वाले नील्स बोहर बोलते हैं कि मैं उपनिषदों में अपने आंसर्स ढूंढता हूं। एर्विन श्रोडिंजर बोलते हैं कि मेरे आइडियाज और थ्योरीज वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। हैंस पीटर डुअर कहते हैं कि जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर लेता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं वेदांता की बात कर रहा हूं। वहीं हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अगर मैं इंडिया न आया होता तो मुझे अपनी खुद की थ्योरी पे विश्वास न होता। ये अचानक से पूरा यूरोप भारतीय ग्रंथों का कायल क्यों हो गया? दोस्तों न्यूटन और आइंस्टाइन की दी हुई क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक स्तर पर काम नहीं करती। वहां पर आप किसी कण की स्थिति और उसका संवेग दोनों एक साथ करेक्टली नहीं माप सकते। इस अब केवल वैदिक उपनिषद ही है जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुरूप दृष्टा और दृश्य को एक बोला गया। और चूंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो उस प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन की रियलिटी का एक हिस्सा बन जाती है जो उपनिषदों में वर्णित माया के साथ सटीक बैठती है। इसीलिए अक्रॉस वर्ल्ड क्वांटम फिजिसिस्ट उपनिषदों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं।